हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नाजू और आप देख रहे हैं टेक्निकल नाजू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है और यूट्यूब चैनल बनाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारी एक यूट्यूब लर्निंग की सीरीज चल रही है जिसकी के आज दूसरी वीडियो है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दो चीजों को डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक ये कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है और दूसरी ये कि यूट्यूब चैनल बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जब हम एक यूट्यूब चैनल बना लें तो हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी ना पड़े। तो चैलेंज अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग मोबाइल पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या टैब वगैरह पर, जिस भी डिवाइस पर आप लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप लोगों ने उस डिवाइस के अंदर अपने यूट्यूब को ओपन करना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा, आप लोग यहाँ पर देखते रहिए और सीखते रहिए। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग YouTube को ओपन करते हो ना, तो आपके सामने YouTube का होम पेज आता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा होम पेज। अब दोस्तों आप लोगों ने जस्ट करना ये होगा कि बिल्कुल राइट साइड में ना टॉप पर एक लोगो नजर आ रहा होगा। इस लोगो के अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ वर्ड लिखा होगा या कोई आपकी पिक्चर विक्चर लगी होगी, तो आप लोगों ने इस लोगो पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा और यहाँ बिल्कुल टॉप पर एक ड्रॉप डाउन है, आप लोग इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक दोस्तों छोटा सा विंडो शो होगा जिसके ऊपर आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में मौजूद तमाम जो जीमेल अकाउंट्स होंगे वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मेरे मोबाइल फोन के अंदर काफी ज्यादा जीमेल के अकाउंट्स मौजूद हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जस्ट करना यह है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि YouTube चैनल बनाने के लिए ना हमें एक Gmail रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि एक Gmail हमारे पास होना लाजमी है अगर हम लोग एक YouTube चैनल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास काफी सारे Gmail अकाउंट्स हैं, मैं चाहूं तो किसी भी Gmail पर जो अपना चैनल वो बना सकता हूँ, बट दोस्तों मैं खुद भी ये चीज पर अमल करता हूँ और आपको भी कहूंगा कि प्लीज जब भी आप लोग एक फ्रेश चैनल बनाने लगे तो उसके लिए एक नया Gmail अकाउंट क्रिएट करें। और Gmail अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आगे इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेथड को आगे बढ़ाते हैं और सीख लेते हैं। आप लोगों ने दोस्तों जस्ट करना यह है कि ये जो प्लस का आइकन है ना विंडो के टॉप पर, आप लोग इस पर क्लिक करिए। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे आपके जो चैनल अगर मोबाइल फोन है तो उसका पासवर्ड पूछेगा, आप लोग पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप दोस्तों एक पेज पर आएंगे। बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने इस पेज के ऊपर आ करके ना अपना न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा और बाद में हम लोग उसी जीमेल पर अपना चैनल बनाएंगे। अभी आप लोग यहां पर देख सकते हो भाई हमारा आ चुका है। अब आप लोगों ने जस्ट करना यह है कि नीचे की जानिब लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, फॉर माई सेल्फ और दूसरे है टू मैनेज माई बिजनेस। तो भाई आप लोगों ने फॉर माई सेल्फ वाले पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पर दोस्तों दो जो दोस्तों ऐसे बॉक्स होंगे, इनके अंदर दोस्तों आप लोगों ने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जल्दी से अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिख देता हूँ, मैंने दोस्तों यहाँ पर हसन बलोच लिख दिया। अब दोस्तों नेम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ नीचे से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करनी होगी और डेट ऑफ बर्थ फिल करते वक्त ही आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर न्यू यूट्यूबर्स इसी जगह पर मिस्टेक करते हैं। दोस्तों मिस्टेक क्या होती है मैं आपको बता दूं सबसे पहले। दोस्तों मिस्टेक ये होती है कि अगर जो बंदा YouTube चैनल बना रहा है उसकी एज जो है वो 18 साल से कम है तो वो यहाँ पर अपनी जेन्युइन एज लिख देता है। बेसिकली दोस्तों अगर मेरी एज 10 साल है तो मैं यहाँ पर अगर 10 साल लिख करके अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करूंगा तब दोस्तों मेरे चैनल पर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दोस्तों वो किड्स वाला जो ऑप्शन आ जाता है ना वो आ जाएगा और मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसके हो सकता है कि कमेंट भी ऑफ कर दिए जाए वगैरह वगैरह। दोस्तों यानी कि काफी ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, काफी सारे ऑप्शन यूट्यूब उसके डिसेबल कर देगा। तो आप लोगों ने कम अज कम वो एज लिखनी है जो कि 18 साल या 18 साल से ज्यादा बनती है।
होती हो। अब जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी एज को 30 साल डाल देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एज की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर आप लोग यहाँ पर फेक भी लिख दें तब भी यूट्यूब को इससे कुछ इश्यू नहीं होता। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एडवाइस दूंगा और यूट्यूबर्स भी आपको यही एडवाइस देंगे कि आप लोग अपनी रियल एज लिखिए, और अगर आप लोगों की एज 18 साल से कम है तो आप लोग अपने अब्बू के नाम पर, अपनी अम्मी के नाम पर या अपने किसी बड़े बहन भाई के नाम पर जो है जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लें। अब जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 1990 डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब दोस्तों उसके बाद मैंने अपना जो जेंडर वेंडर था मेल फीमेल वो दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट पर जैसे ही दोस्तों हम लोगों ने क्लिक किया तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगले पेज पर हमें लेकर के जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे थोड़ा सा दोस्तों नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए जो है ना भाई थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक जीमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा। अब दोस्तों हो सकता है कि ये जो गूगल है ये आपको खुद ही से दो जीमेल एड्रेस पहले से बने बनाए दे दे, यहाँ पर आपको रेकमेंड कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ना कर रहा हो तो आप लोग यहाँ पर खुद का भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ hassan000@gmail.com। अब दोस्तों मैंने ये बना लिया, अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो भाई वो कह रहा है कि दैट यूजर नेम इज टेकन, यानी कि भाई ये यूजर नेम पहले से ही किसी का है तो आप लोग इसको चेंज करिए। अब दोस्तों मैंने इसमें 1 डाल दिया, अभी भी दोस्तों है तो वो दोस्तों नीचे की जानिब आप लोग देखेंगे मुझे कह रहे कि अवेलेबल, यानी कि ये वाला जो जीमेल एड्रेस है ये भी अवेलेबल है, आप लोग इसको टेक कर सकते हो। अब दोस्तों मैं इस पर ही क्लिक कर देता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहां पर दोस्तों आप लोगों ने पासवर्ड डालना है। मैं आपको बता दूं कि भाई वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल का पासवर्ड काफी सख्त होना चाहिए, काफी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि यार हमारे चैनल की जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा से ज्यादा टाइट रहे, मजबूत रहे। बट अभी फिलहाल के लिए आप लोग अपने चैनल का जो पासवर्ड है वो इजी से रखिए, कोई अपना फोन नंबर रख लीजिए या अपना नेम वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब चैनल बना लेंगे और उसकी सेटिंग करने लगेंगे तब दोस्तों हमें पासवर्ड वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए भाई आपको अगर पासवर्ड याद होगा तो ठीक है, वरना बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा, वो ज्यादा लंबा पंगा हो जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अपना ही नेम जैसे लिख देता हूँ hassan000, यानी कि hassan000 दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। मैं यस आई एम इन वगैरह दोस्तों इनका जो जो भी है वो फिल करता हूँ, यानी कि अब दोस्तों आई एग्री पर भी मैंने क्लिक कर दिया तो भाई हमारा जो जीमेल एड्रेस है वो तो अभी क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों जो मैंने आपको बता दी वो एक ही मिस्टेक थी कि भाई डेट ऑफ बर्थ को लेकर के आप लोगों ने 18 साल या 18 साल से ज्यादा रखनी है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जीमेल अकाउंट बन भी चुका है और यहाँ पर खुद ब खुद साइन इन भी हो चुका है, तो भाई आप लोगों को दोबारा से इस लोगों पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ योर चैनल, तो भाई आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक पेज आ चुका है और यहाँ पर 2 लाइंस हैं। इनमें दोस्तों बेसिकली आपका वही वाला नेम लिखा हुआ होगा जो कि आप लोगों ने जीमेल अकाउंट बनाते वक्त लिखा था, तो अभी आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों ने वो नेम लिखना है जिस नेम पर आप लोग चैनल बनाना चाहते हो। अब दोस्तों मिसाल के तौर पर मैं इस चैनल का नेम रखना चाहता हूँ नाजू के न्यूज। अब दोस्तों नाजू के न्यूज 99 दोस्तों मैंने चैनल का नेम रख दिया। आप लोगों ने भी भाई अपना यहाँ पर पहले चैनल का नेम लिखना है और क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो भाई आपका जो चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई नो सब्सक्राइब, मेरा अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं, अभी भी चैनल बनाया फ्रेश। तो भाई कुछ इस तरीके से आप लोग अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सिर्फ चैनल बनाना ही मकसद नहीं होता, उसके बाद उसकी काफी सारी सेटिंग्स होती हैं जो कि इंशाल्लाह हम लोग कल की वीडियो के अंदर सीखेंगे और बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप पर आपके पास बरवकत पहुंचती रहें। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।